आरजेडी एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस रहा है। पटना के कदमकुआं आवास में तीन दिनों से टीम छापेमारी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से आई टीम छापेमारी में है। विनोद कुमार जायसवाल शराब कारोबार से जुड़े हैं। छापेमारी टैक्स चोरी को लेकर की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विनोद कुमार जायसवाल का ये आवास है कदमकुआं इलाके में और यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, पूछताछ चल रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ये विनोद कुमार जायसवाल का आवास है और अंदर में जो सुरक्षा कर्मी है उनको आप देख सकते हैं, ये लोग भी अंदर में है। सर ये बताइए कब से ये चल रहा है? तीन दिनों से आप अंदर में अधिकारी हैं? सारे अधिकारी आप लोग हैं? आप लोग एसएसबी से हैं? आप लोग एसएसबी सीमा सुरक्षा बल से? तो कितने लोगों की संख्या होगी अंदर में अधिकारियों की? कब से ये तीन दिनों से रेड चल रहा है? तो ये जो सुरक्षा कर्मी एसएसबी के हैं वो बता रहे हैं कि ये जो रेड चल रहा है वो तीन दिनों से रेड चल रहा है। बेहद अहम जानकारी कि तीन दिनों से रेड चल रहा है। आरजेडी के वो एमएलसी है विनोद कुमार जायसवाल और काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, बड़े कारोबारी माने जाते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला है और कोलकाता में शराब से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं जो पैसे को लेकर कुछ टैक्स को चोरी का मामला बताया जा रहा है। तो काफ़ी अहम जानकारी कि जो आरजेडी के एमएलसी है विनोद जायसवाल उनके आवास पर पूछताछ चल रही है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और तीन दिनों से ये छापेमारी चल रही है। सबसे अहम है कि तीन दिनों से ये छापेमारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद खास माने जाते हैं विनोद जायसवाल। तो काफ़ी अहम है कि उनके आवास कदमकुआं में छापेमारी चल रही है। जो सुरक्षाकर्मी अंदर में एसएसबी के जवान हैं वो जानकारी दे रहे थे एक्सक्लूसिवली कशिश न्यूज़ को कि तीन दिनों से ये छापेमारी चल रही है और इनकम टैक्स के कई अधिकारी अंदर में हैं जो उनके साथ पूछताछ चल रही है। लेकिन अंदर में एमएलसी खुद मौजूद नहीं है, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और बाकी कई ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है जो कोलकाता से शराब से जुड़ा हुआ मामला है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।